ये तो काफी भयानक तरीके से चिल्ला रहा है। ओके, बनी अपने क्रिएचर को भेज रहा है। अरे यार बनी आजा, मेरा क्रिएचर तेरे को खा डालेगा। ओए मजा आ रहा है यार, कैसा लग रहा है यार। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस, हो सके तो लाइक जरूर से कर देना एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। ये दोस्तों, आप सभी भाइयों को फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आर्क बैटल ग्राउंड के और एक एपिसोड में। एंड इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे यार इस सीरीज में मजा तो आएगा ही, क्योंकि सिंचेन जो है यार, एंड इस सीरीज में सिंचेन वर्सेस बनी होने वाला है। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है सिंचेन का खिलाड़ी। अरे यार मैंने लिया है आज हार्डवुड गोलेम। सभी के माइंड में यही क्वेश्चन था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, हार्डवुड गोलेम ज्यादा शक्तिशाली है या फिर ये विशालकाय पेड़। दोस्तों मैं हूं बनी एंड मैं इस बड़े से पेड़ को ले रहा हूँ। एंड दोस्तों क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन जरा स्ट्रॉन्ग है यार, ये हार्डवुड गोलेम जरा स्ट्रॉन्ग है या फिर गाइस ये बड़ा सा पेड़। मैं ना एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा यार, ये जो बड़ा सा पेड़ है ये काफी स्लो है एंड ये हार्डवुड गोलेम यार इसके पास स्पेशल पावर्स है। ये काफी तेज है, काफी ऊंचा जंप भी कर सकता है, हाथ भी जैसे कि देख पा रहे हो पत्थर से बना हुआ है एंड इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी है। ठीक है, इसके पास भी यार फॉरेस्ट पावर्स है। बेसिकली ही इज अ ग्रास टाइप एंड ये भी एक ग्रास टाइप है। ठीक है, जिसे बोल देता हूँ, सिंचेन ने लिया है हार्डवुड गोलेम एंड बनी ने लिया है आयरन वुड एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस बैटल। लेकिन यार बैटल शुरू होने से पहले प्लीज यार दोस्तों लाइक जरूर से कर देना यार, बोल भाई तभी ऐसे एपिसोड्स बनाएंगे। दोस्तों बैटल हो चुका है शुरू एंड आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसका आप लोग लेवल देखो, इसका लेवल 45 एंड इसका लेवल 55। अरे ऐसा क्यों यार? क्योंकि यार जो यार टीम वर्जन होते हैं ना, टीम वर्जन में ज्यादा पावर्स होते हैं। लेकिन यार ये तो उल्टा है यार, ये टीम वर्जन में तो हेल्थ कम है यार। अरे यार यहाँ पे गलत ही सीन हो गया दोस्तों, यहाँ पे गलत ही सीन हो गया यार, हार्डवुड गोलेम बहुत ज़रा मार खाने वाला है यार। ओ शिट यार पैर से कुचल रहा है। ओ नो गाइस, बट हार्डवुड गोलेम भी काफ़ी यार कमाल तरीके से मार रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही कमाल तरीके से मार रहा है दोस्तों, बहुत ज़रा कमाल तरीके से मार रहा है एंड आई थिंक खत्म। अरे यार मेरा पेड़ तो जीत ही गया यार। अरे बाप रे, बनी का पेड़ जीत गया, आई मीन आयरन वुड एंड इज द क्लियर विनर। एंड मुझे लग रहा है यार आयरन वुड एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार हार्डवुड गोलेम से। हार्डवुड गोलेम फास्ट है बट दोस्तों ये जो ट्री है ना ये अलग ही लेवल का है। अरे बोल ये क्या चीज है यार? सिंचेन ये बनी के लिए है। अरे मेरे लिए मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि तूने सिंचेन को हराया था पहले मुकाबले में, अभी तेरे पास एक चॉइस है, तू ये वाला चीज ले करके तू सिंचेन को चुनौती दे सकते है। बट मुझे ये चीज लेना ही नहीं है बोल। अरे यार फिर बोल, मैं ये लेना चाहूंगा एंड बनी के क्रिएचर्स को हराना चाहूंगा यार। अरे बनी तू श्योर है? अरे मैं श्योर हूँ यार, मैं आर्क पायरेट के क्रिएचर्स को लेकर के सिंचेन के इस दानव को हराने वाला हूँ यार। अरे बहुत भूल कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा भूल कर रहा है। एनीवेज यार सिंचेन को ये वाला कैरेक्टर दे देता हूँ। ये है गाइस एक एससीपी प्लस काइजू का मिक्सर, इसका नाम है रेड हेल बीस्ट एंड ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका लेवल 100 है, ठीक है, एंड हेल्थ ऑलमोस्ट 30 मिलियन के आसपास है एंड बनी को मैं 3 टर्न्स दूंगा। बनी को 3 टर्न्स में इस बड़े से रेड हेल्थ बीस्ट को हराना पड़ेगा। अगर हरा देता है तो ठीक है, बनी जीत जाएगा, अगर नहीं हराता है तो सिंचेन जीतेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस बैटल। अरे बनी तू यार आयरन वुड एंड को ले रहा है इस रेड हेल्थ बीस्ट को मारने के लिए? अरे हाँ, क्योंकि इसने हार्डवुड गोलेम को मारा था। अरे यार सीरियसली भाई, तू इसको मारने के लिए आयरन वुड एन को ले रहा है भाई? अरे ये हरा पाएगा यार। अरे यार बनी तू आजकल कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है यार। अरे यार बनी तो आजकल बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। एनीवेज यार बनी ने आयरन वुड एन को लिया है एक बड़े से पेड़ को, चलो देखते हैं। ओके लेट द बैटल बिगिंस। ये तो काफी भयानक तरीके से चिल्ला रहा है। ओके बनी अपने क्रिएचर को भेज रहा है। अरे यार बनी आजा, मेरा क्रिएचर तेरे को खा डालेगा। ओए मजा आ रहा है यार, कैसा लग रहा है यार। अरे मेरा भी पेड़ काफी स्ट्रांग है सिंचेन, मेरे पेड़ को कम मत समझा। मर गया भाई, इसमें समझने वाला क्या बात है, बनी मर गया यार। अपने दिमाग को लगा, आर्क पायरिया के दुनिया में और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्रिएचर्स है भाई। इस रेड हेल बीस्ट को 30 मिलियन हेल्थ जिसके पास है उसको हराने के लिए उल्टा सीधा चीज मत लिया कर, ठीक है। A few inches later. अरे बनी यार मैंने तेरे को और ज्यादा शक्तिशाली लेने के लिए बोला था, बट स्टिल ओके यार, ये ओगर बॉस है, ठीक है। अरे यार ये ओगर बॉस तो काफी शक्तिशाली लग रहा है यार, लेकिन मेरे रेड हिल बीस्ट को ये क्रिएचर नहीं मार पाएगा यार। मुझे भी नहीं लग रहा है कि यार ये ओगर रेड हिल बीस्ट को मार पाएगा यार। अरे यार तुम लोग ऐसा यार डिमोटिवेशन मत दो यार, डेफिनेटली हरा पाएगा यार। अरे यार देखते हैं हरा पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है दोस्तों हरा पाएंगे कि नहीं यार? चलो गाइस देखते हैं, 3 2 1 लेट द बैटल बिगिन।
ओके दोस्तों, यार बैटल हो चुका है शुरू। एंड जैसे कि देख पा रहे रेड हेल्प बीस्ट मेरे को मारने के लिए आ रहा है क्या? नहीं, ओगर बॉस को ही मार रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। फुल ऑन गाइस, ये रेड कलर का शक्ति क्या है यार? ये अपने मुंह से यार जैसे काइजूस लोग फेंकते हैं ना यार, और एटॉमिक ब्रेड, इसके पास भी कुछ तो ब्रेड पावर है यार। अरे हाँ यार, ये मेरा रेड हेल्प बीस्ट काफी स्ट्रांग है यार। अरे सिंचन, तेरे इस रेड हेल्प बीस्ट को ना मैं तो डेफिनेटली हरा पाऊंगा, मेरे माइंड में तो है। अरे यार, तेरे को भी मैं हरा दूंगा यार, बोल। अरे यार, तू मेरे को हराएगा, तेरे को देख लूंगा। आज तो यार बनी तेरे साथ लड़ रहा है ना, अगर बनी ने तेरे इस रेड हेल्प बीस्ट को हरा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को डेफिनेटली हराने वाला हूँ। अरे यार बोल, कुछ भी नहीं हो रहा यार। अरे बनी, कैसे कुछ होगा भाई, कैसे कुछ होगा यार, इसको देखो। ओह शिट गाइस, मुझे लग रहा है मैं ही मर जाऊंगा दोस्तों। एंड यार इसके पास तो रीजनरेशन पावर है, जिसके आप लोग देख पा रहे हो, ये अपने हेल्थ को। ओह शिट, मैं मर गया दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी तक लड़ रहा है ये ओगर, बट ये ओगर मरने वाला है, ठीक है, ये ओगर डेफिनेटली मरने वाला है। खत्म खत्म खत्म। इसी के साथ यार बनी के दूसरे क्रीचर को भी हरा दिया। मतलब बनी के पास और एक क्रीचर है यार? यस, बनी के पास सिर्फ और एक क्रीचर है, अगर तूने लास्ट क्रीचर को लेकर के इसको हरा दिया ठीक है, नहीं तो बनी तू तो आज हार गया भाई। तेरे पास मौका था इसको लेने का, बट तूने गवा दिया। One eternity later. Oh, hey bunny, क्या तुम रेडी हो? क्योंकि मैं तो काफी रेडी हूँ। अब तक के मैंने दो क्रीचर को तो हरा दिया, ये तेरे लास्ट क्रीचर होने वाला है। एंड मेरा रेड हेल्प बीस्ट तेरे सारे के सारे क्रीचर को डेफिनेटली हरेगा, एंड इस लास्ट क्रीचर को तो डेफिनेटली हराएगा ही हराएगा। वैसे तूने क्या लिया है ये यार? ये और यार बनी, तूने ये इच्छे डियोरेक्स लिया? अरे हाँ, ये पालिया के दुनिया का एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन है भाई। तूने इसको लिया ठीक है, मतलब ठीक ही है। एंड तूने ये कितने लेवल का लिया? मैंने ये 200 लेवल का लिया है। अरे यार 100 लेवल जाना। बट एक चीज मैं बोल लेता हूँ बनी, ये जो ड्रैगन है ये सिर्फ यार चल सकता है, मतलब इतना अच्छी तरीके से नहीं उड़ सकता है। एनीवेज यार, लेट द बैटल बिगिंस, देखते हैं इट्सी डियोरेक्स कितना डैमेज देगा। ये ड्रैगन कम, ये तो यार चलता हुआ चिपकन ही ज्यादा लग रहा है यार। अरे सिंचन तू ज्यादा मत बोल ठीक है, तेरे को तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में देख लूंगा। एनीवेज यार सीरियसली बनी, तेरे को यार मैंने मौका दिया था क्योंकि तू विनर था ना पहले राउंड का। अगर तूने रेड हेल्प बीस्ट को ले लिया होता, अरे एक मिनट यार, रेड हेल्प बीस्ट अटक गया था क्या? उड़ नहीं, ये पानी से फिर से उठ गया भाई, मेरे को लगा यार पानी में अभी डूब जाने वाला है। एनीवेज यार बनी ये ले सकता था, एंड सिंचन इसको चुनौती दे सकता था, बट नहीं, बनी का यार खोखला है ना दिमाग, तो उसने यार लिया आर्क पाइडर के क्रीचर को। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस एचसी डियोरेक्स को, जो कि यार 200 लेवल का भी नहीं यार, 375 लेवल का है, उसको क्या पेल रहे हैं दोस्तों, क्या पेल रहा है यार। एंड एचसी डियोरेक्स अपना इलेक्ट्रिक हमला तो यूज कर यार, कुछ ना कुछ तो कर। अगर इलेक्ट्रिक हमला, मैं दोस्तों मैं तो फिर से मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है मैं फिर से मर जाने वाला हूँ यार। अरे बाप रे, 15,000 ऐसे डैमेज दे रहा है यार, 15,000। मैं गया भाई, मैं गया। दोस्तों आई एम बैक अगेन, एंड जैसे कि देख पा रहे हो, अभी तक एचसी डियोरेक्स टिका हुआ है यार, अभी तक एचसी डियोरेक्स टिका हुआ है। एंड एक मिनट यार, ये रेड हेल्प बीस्ट इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे रहा है यार, 15,000 का ही डैमेज दे रहा है। इसका मतलब यार रेड हेल्प बीस्ट को मैं हरा पाऊंगा यार? अरे तो कैसे हरा पाएगा यार? अभी बता दूंगा क्या तेरे को, है नेक्स्ट एपिसोड में मैं डेफिनेटली देख लूंगा ठीक है। एंड दोस्तों, अगर इस वाले वीडियो पे आ जाते 700 लाइक्स तो कल ही आ जाएगा आर्क बैटल ग्राउंड का एपिसोड ठीक है, अगर नहीं आता है तो 2 दिन बाद आएगा ठीक है, तो इसलिए जल्दी से कर दो यार। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज तो सिंचन के क्रीचर ने यार बाजी अपने हाथ में ले लिया ठीक है, रेड हेल्प बीस्ट इज द विनर। एंड कैसा लगा एपिसोड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सायो नारा।